मेरा नाम अबीर अजीत सिंह है और मैं आज आप लोग को उत्तर प्रदेश की एक लोक कथा सुनाने जा रहा हूँ, जिसका नाम है राजा के कान। एक थे राजा जिनके कान आदमियों जैसे नहीं थे, कुछ कुछ बकरी जैसे थे। तो इस बात को छुपाने के लिए वह हर दम पगड़ी पहने रहते थे, किसी के आगे उतारते नहीं थे। उनके खानदान का एक पुराना नाई था जो इस बात को जानता था और वफादार भी था। तो ये बात कभी किसी के सामने आई नहीं। अब वह नाई जब नहीं रहा तो राजा को दूसरा नाई बुलवाना ही पड़ा। इस नाई का नाम भीम था, जिसे सब लोग भीमा नाई की तरह बुलाते थे। अब राजा ने नाई को महल में बुलाकर कहा कि तुम पहले हमें वचन दो कि तुम जब हमारे कान देखोगे तो किसी से नहीं कहोगे कि राजा के कान बकरी की तरह हैं। भीमा नाई ने बाल काटते समय देखा कि राजा के कान बकरी की ही तरह हैं और राजा के सामने कसम भी खाई कि वे किसी से नहीं कहेगा। नाई जब महल से निकला तो उसके पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा था, क्योंकि उसे वह बात हजम नहीं हुई। वह एक बाग से गुजर रहा था तो उसे वह एक पेड़ दिखा, तो वो उसके नीचे सुस्ताने के लिए बैठ गया। अब जब उसने चारों ओर देखा तो वहां कोई था ही नहीं, तो उसने कहा, भाई अब मैं अपने मन की बात खुल के बोल सकता हूँ। तो उसने जोर से बोला, राजा के कान बकरी की तरह है। अब ये बात उसने एक कटहल के पेड़ के नीचे बोली, जिसके लकड़ियों से संगीत के साज बनाए जाते हैं। अब संयोग की बात है कि कुछ दिनों बाद वह कटहल का पेड़ कटवा दिया गया और उसकी लकड़ी से तबला, सारंगी आदि बनवा दिए गए। जब राजा के महल में संगीत का आयोजन हुआ तो वह तबला और सारंगी वहां लाए गए और जब गाने बजे तो सारंगी से आवाज निकली, राजा के कान बकरी की तना ना ना। इसके साथ ही मंजीरे ने पूछा, किन्ने कहो किन्ने कहो? तो तबला बोला, भीमा ने कहो भीमा ने कहो। यह सब सुनकर राजा आग बबूले हो गए, क्योंकि छुपी बात अब सबके सामने आ चुकी थी। तो उन्होंने भीमा को बुलाया और नगर से निकलवा दिया गया। शुक्रिया।